हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में। कुछ कमेंट्स पड़े हैं कि डॉक्टर साहब, हम व्याग्रा टैबलेट लेना चाहते हैं, क्या हम उसको लें या फिर नहीं लें। आप जानते होंगे, सेक्स करने से पहले कुछ लोग काफ़ी मेडिकल से मेडिसिन खरीद के खाते हैं। व्याग्रा के नाम से टैबलेट आती है, तो वो केवल एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन होता है। उसको किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जनरली देखा जाए तो वो हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, पेनिस की तरफ को हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो हम कुछ देर के लिए सक्षम उससे हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ देर के लिए आपको टेम्परेरी कुछ सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे थकान होना, कमजोरी होना, पेनिस में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन मैंने कि किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि आपके अंदर अगर ये बीमारियाँ हैं तो आप ऐसे टैबलेट्स बिल्कुल भी मत खाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाता है जहाँ पर हार्ट डिजीज़ है, जहाँ पर दिल की बीमारियाँ हैं पेशेंट को, तो ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए। अब दिल की बीमारियों के अंदर आ सकता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाई रहता हो, कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 150 रहता है, तो आप इस तरह की टैबलेट्स मत खाइए। इससे आपको भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। क्योंकि मेडिकल वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक रहता है, आपकी शुगर बिल्कुल डाउन तो नहीं रहती, आपकी शुगर बिल्कुल हाई तो नहीं रहती है, तो मेडिकल वाले आपसे ये नहीं पूछेंगे। वो केवल आपको एक टैबलेट देंगे जो कि आप खाएंगे तो परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। तो ऐसी बीमारियां हैं तो आप इनको मत खाइए। हार्ट की कोई भी बीमारी मैंने आपको यहाँ पे बताई, चाहे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन रहता हो, आपको कोई स्टंट डला हुआ हो, कोई वाल्व की डिजीज़ हो, तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश कीजिए होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि ये कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि अगर ये बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे तो आपको ये 1% भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बट वो टैबलेट आपको फ़ायदा देगी, कुछ क्षणिक के लिए वो फ़ायदा देगी, बट आपको नुकसान वो बहुत ज़्यादा कर सकती है। इसके साथ जिन दोस्तों को सर में दर्द होता है, तेज़ सूरज में जाते हैं, तेज़ लाइट पड़ती है, तेज़ धूप पड़ती है, तो उनको सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हाथों पैरों में उनको कंपन रहता है, ट्रेमलिंग रहती है, तो ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से भी आपको और समस्याएँ हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और आप डेली शराब पीते हैं और आप किसी दिन वो टैबलेट खाएँ, और ऐसा लोग करते भी हैं, जनरली सभी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ ये हो सकते हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। शराब अगर आप पीते हैं, आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप ये टैबलेट मत खाइए, आपको ये बुरे परिणाम दे सकती है। इसी के साथ, आप कोई भी नशा करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के जो बड़े नशे होते हैं, ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में शराब पीते हैं, कोई बड़े नशे करते हैं, अफीम का यूज़ करते हैं, चरस का यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं उनको इम्पोटेंसी आनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ, जैसे मैंने आपको डायबिटीज़ में बताया, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 300+ में रहती है, तो ऐसे लोगों को भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको इससे 2-3 बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कि आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाए, आपको सेरेब्रल हेमरेज हो जाए, मतलब दिमाग की आपकी नस फट जाए, तो कई तरह की आपके अंदर समस्याएं हो सकती हैं। बाकी टेम्परेरी जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपको मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, कि आपने टैबलेट खाई, सेक्स किया, और उसके आधे घंटे बाद आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, सर में दर्द होने लगा है, नींद भी नहीं आई है, आपकी मांसपेशियों में दर्द है, चक्कर आने लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी हो सकती है जो कि टेम्परेरी होती है। मेडिसिन का असर ख़त्म होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, तो आप जो है एज ए नॉर्मली आप हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एक जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ये बताई हैं सारी चीज़ें। आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप इनको यूज़ मत कीजिए, जनरली आप होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक ले सकते हैं। दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।